बिहार की राजनीति में सक्रिय चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जो कहा है वो सत्य है, मैं उनके बातों से सहमत हूँ और बिहार के मुख्यमंत्री का यूज एंड थ्रो का पुराना इतिहास रहा है, वो सबके साथ ऐसे ही करते हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और लगातार उपेंद्र कुशवाहा अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। चिराग पासवान ने एहसास कहा है कि नीतीश कुमार यूज एंड थ्रो की रणनीति शुरू करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जारी सियासी घमासान में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। बिहार की राजनीति में सक्रिय चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार द्वारा बिहार में केवल राजनीति हो रही है, सरकार को विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखा जाए तो उन्हें सिर्फ अपने गठबंधन की चिंता है, हमारा गठबंधन कैसा है, हमारे नेता कैसे हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसकी बस चिंता रहती है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जो कहा मैं उससे सहमत हूं। आगे चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री का यूज एंड थ्रो का पुराना इतिहास रहा है, एक बार जब लोग नीतीश कुमार के लिए उपयोग हो जाते हैं उसके बाद उनको नीतीश कुमार त्याग देते हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा है नीतीश ने अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया तो सहयोगियों का कैसे करेंगे। जॉर्ज साहब, दिग्विजय सिंह, शरद यादव का उदाहरण सामने है, आरसीपी सिंह के साथ कैसा व्यवहार उन्होंने किया वो सबने देखा है। नीतीश कुमार डिवाइड एंड रूल की रणनीति करते हैं और आगे किसी को नहीं बढ़ाते, खुद आगे बढ़ते हैं और खुद अपना बस सोचते हैं, देखते हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि इन सब के कारण बिहार की जनता को विकास को भारी नुकसान हो रहा है, विकास बिहार में नहीं हो रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान ने 2024 को लेकर भी अपनी रणनीति स्पष्ट की है। चिराग पासवान ने घोषणा की है कि हम 2024 में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मेरे एनडीए नेताओं के साथ अच्छे संबंध है और इसलिए गठबंधन की संभावना है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है और तभी चीजों को औपचारिक रूप दिया जाएगा। वहीं बता दें आपको कि उनका यह साफ कहना था कि मैं कह सकता हूं कि 2024 से पहले चीजें स्पष्ट हो जाएगी। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि हमारा एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारियों को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। इससे पहले 25 जनवरी को भी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान दिया था। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर पासवान ने कहा था कि ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बताएंगे कि अपना कौन सा हिस्सा लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि उस जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, देखा जाए तो वो इस तरीके का बयान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके का व्यवहार नीतीश कुमार उनके साथ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। नीतीश कुमार शुरू से ऐसे करते हैं और कहीं ना कहीं खुद आगे बढ़ते हैं और लोगों को पीछे ढकेलने का काम करते हैं और पार्टी से हटा देते हैं। फिलहाल चिराग पासवान की तमाम प्रतिक्रिया आपको हमने बताई है और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।